महाराणा प्रताप संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस सेशन में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मृदा उर्वरता के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता, तो मृदा उत्पादकता की डेफिनेशन तो मैंने आपको पिछली क्लास में लिखा दी थी, लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए कि मृदा उत्पादकता होती क्या है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता को मृदा उत्पादकता कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा आप, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता को मृदा उत्पादकता कहते हैं। अब देखो, ये कोई खेत है X और ये कोई खेत है Y। अब ये भी एक हेक्टेयर है, ठीक है, और ये भी एक हेक्टेयर है, दोनों एक हेक्टेयर के खेत है, दोनों समान खेत है, लेकिन इस खेत में 5 बोरी गेहूं हो रहा है। कितना? 5 क्विंटल, 5 क्विंटल गेहूं हो रहा है, और इस खेत में 8 क्विंटल गेहूं हो रहा है। कितना? इसमें 5 क्विंटल, ये और दोनों एक हेक्टेयर के खेत हैं, दोनों समान है, ठीक है, लेकिन इसमें 5 क्विंटल गेहूं हो रहा है और इसमें 8 क्विंटल गेहूं हो रहा है, तो ऐसा क्या? तो किसकी उत्पादन की क्षमता ज्यादा होगी? इसकी उत्पादन की क्षमता ज्यादा होगी, तो मृदा उत्पादकता किसकी बेटर होगी? वाई की बेटर होगी। समझा? ये उदाहरण एक प्रकार का। तो हम कह सकते हैं कि एक हेक्टेयर में उत्पादन की जितनी क्षमता जिसकी ज्यादा होती है उसकी मृदा उत्पादकता अच्छी है, और जिसकी उत्पादन क्षमता कम है उसकी मृदा उत्पादकता अच्छी नहीं है। ठीक है, ये आगे समझ में, ये उदाहरण था, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह से। तो कुल मिला के बात होती है कि किसी एक एरिया में, निश्चित किसी क्षेत्र में उसकी उत्पादन की क्षमता कितनी है, उस मिट्टी की क्षमता कहलाएगी वो। ठीक है, हाँ, इसमें मौसम वगैरह सब अफेक्ट होता है, लेकिन मिट्टी की उत्पादकता इसी से नापी जाएगी। ठीक है, अब ये मृदा उत्पादकता। अब कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि अच्छे होते हैं तो मृदा उत्पादकता भी सही होती है, अच्छी होती है, लेकिन अगर वो कारक होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं तो मृदा उत्पादकता भी अपनी अच्छी नहीं होती है। कुल मिला के बात होती है कि उन कारकों की वजह से मृदा की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले लिखो, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये कारक कौन कौन से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारक जो अपन ने पहले पढ़ा था, मृदा उर्वरता, वो भी इसका एक पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? मृदा उर्वरता। देखो इसको समझो, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि मृदा उर्वरता क्या होती है। याद करो, हमने पिछली क्लास में मृदा उर्वरता के बारे में पढ़ा था कि मृदा उर्वरता क्या होती है, याद आया कुछ? किसी भी पौधे को या अपनी फसल को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की ताकत कितनी है मिट्टी में, उसको कहते हैं मृदा उर्वरता। ठीक है, अब याद आ गया होगा कि मृदा उर्वरता क्या कहता है। तो अब किसी मिट्टी की ताकत कितनी है उस पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की, अगर मिट्टी की ताकत ज्यादा है तो मृदा उत्पादकता भी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, इसका मतलब मृदा उत्पादकता भी बढ़ेगी, लेकिन अगर उसकी मिट्टी की उर्वरता कम है तो मृदा उत्पादकता भी घटेगी। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया हो तो और भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मतलब कि जो अपना डाउट है
वहां पे जाके आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा, अभी भौतिक दशा से क्या तात्पर्य है कि मिट्टी दिखने में कैसी है। मिट्टी अगर बहुत ही ज्यादा काले रंग की होगी तो इसका मतलब उसमें कार्बनिक पदार्थ, पोषक तत्व की मात्रा बहुत अधिक है, उसमें लवण बहुत अधिक है। लवण बहुत अधिक है तो भी वो मिट्टी बहुत काम की नहीं है। और ऐसी मिट्टी है जो बिल्कुल भूरे रंग की है, सफेद सफेद कलर की हो रही है, तो वो भी अपने काम की नहीं, क्योंकि उसमें पोषक तत्व है ही नहीं। लेकिन जो मध्यम भूरे रंग की जो मिट्टी है, मध्यम भूरे रंग की मतलब कि बहुत ज्यादा लाइट, ना तो बहुत ज्यादा लाइट और बहुत ना तो बहुत ज्यादा डार्क, ऐसी मिट्टी है जो आंखों से देखने पर हमको अच्छी प्रतीत होती है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा दिखती है, वो मिट्टी हमारे काम की है। अगर वो मिट्टी अच्छी होगी तो मृदा उत्पादकता भी क्या होगी, अच्छी होगी। और वो मिट्टी अगर खराब होगी, भौतिक दशा मतलब आंखों से देखने के बाद में अगर वो मिट्टी हमें खराब दिखाई देती है तो उस मृदा उत्पादकता भी कम होगी उस खेत की। ठीक है, अगला पॉइंट है मृदा की स्थिति। ये पॉइंट लिखते जाना, मृदा की स्थिति। देखो अब मैं आपसे पूछूंगा, आप सब अपना स्वविवेक यूज करना कि कैसे होता है। एक ये पहाड़ है, ठीक है, और यहां पर खेत बने हुए हैं, यहां पे ये खेत बने हुए, ठीक है, और एक ये जमीन है, वहां पर ये खेत बने हुए, ठीक है। अब इसमें भी हमने 10 किलो गेहूं के बीज डाल दिए और इसमें भी 10 किलो गेहूं के बीज डाल दिए, तो इसमें उत्पादन ज्यादा होगा या इसमें उत्पादन ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, हर कोई जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है कि इसमें उत्पादन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी है, ये जो मृदा की स्थिति है वो खराब जगह पर है, क्योंकि यहां से मिट्टी में जितने पोषक तत्व है भूल कर काम आएंगे, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे, तो पोषक तत्वों की अधिकता के कारण यहाँ पर उत्पादन ज्यादा होगा, तो इस मिट्टी का मृदा उत्पादकता क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ आ गया, मृदा की उत्पादकता समतल भूमि पर ज्यादा होगी ढलाऊ भूमि की अपेक्षा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, उत्पाद की मांग। अब देखो क्या है कि जैसे कि देखा जाए तो अपने जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो मिट्टी है वहां पर मक्का अच्छा होता है, तो वहां पे मिट्टी जो है बलुई दोमट मिट्टी है और अच्छी है। तो अब यहाँ पर आम और ये मक्का बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर जो मक्का है वो उगता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर किसी मंडी में, जो अपनी बड़ी मंडी है उदयपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को छोड़ देते हैं, उदयपुर अनाज मंडी की बात करते हैं, तो अगर वहां पर उत्पाद की मांग ही नहीं है, वहां पर मांगा ही नहीं है हमसे मक्का, तो हम मक्का उगाएंगे? आप भी बताओ, आप अपने खेत में मक्का उगाओगे? अगर आगे बेचा ही नहीं जाता है, उसको कुछ पैसा ही नहीं मिलता अपने को, तो क्या अपन उगाएंगे क्या है? नहीं उगाएंगे। तो क्या होगा कि अपनी मिट्टी तो बढ़िया है मक्का के लिए, लेकिन उस मक्का की डिमांड ही नहीं है आगे, तो अपन मक्का नहीं उगाएंगे, उसकी जगह पे अपन कुछ और चीज उगाएंगे, गेहूं उगाएंगे, चना उगाएंगे, दाल वाली फसलें उगाएंगे। तो क्या होगा कि गेहूं चना हमारे यहाँ पे होता है लेकिन अच्छा नहीं होता है, यू मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मक्का अच्छा होता है लेकिन उत्पाद की मांग है नहीं आगे, तो मक्का उगाएंगे नहीं, तो उसके बदले क्या उगाएंगे, गेहूं या चना, ऐसी दालों वाली फसलें उगाएंगे। ठीक है, अब दालों वाली फसलें उगाएंगे तो अपने को उतना उत्पादन मिलेगा नहीं, तो वहां से क्या होगा, मृदा की उत्पादकता घटेगी। समझना है कि अपन उगाना चाहते हैं मक्का लेकिन आगे बिक ही नहीं रहा है, तो फिर मक्का नहीं उगाएंगे, अपने खेत में मक्का ही अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए तो मृदा उत्पादकता क्या होगी, इसकी घटेगी। अगला पॉइंट है यातायात के साधन। यातायात के साधन, तो यातायात के साधन मतलब कि अगर मेरे खेत में मैंने अच्छे से शिमला मिर्च का प्रोडक्शन किया, मेरे खेत में शिमला मिर्च बहुत अच्छी होती है, तो मैंने शिमला मिर्च उगाई बहुत सारी, लेकिन अपनी मंडी बहुत दूर है, उदयपुर मंडी है, तो उदयपुर सब्जी मंडी में बेचने के लिए मुझको गाड़ी तो चाहिएगी, लेकिन मेरे पास खुद के पास गाड़ी नहीं है, मेरे गांव में गाड़ी आती नहीं है, सड़क ही नहीं है मेरे गांव में, तो फिर मैं बेचूंगा कैसे? इसलिए
अगर यातायात के साधन नहीं होंगे तो मैं शिमला मिर्च नहीं उगाऊंगा, मैं वही फसल उगाऊंगा जो यहाँ पे बिकती है। समझ में आ गया। और बाहर मंडी में भेजने के लिए यातायात के साधन नहीं होंगे तो मंडा उत्पादकता क्या होगी, घटेगी। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि मंडा उत्पादकता कैसे किसको कहते हैं, तो प्रति हेक्टेयर में जो उत्पादन की क्षमता होती है उसको मृदा उत्पादकता कहते हैं। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मृदा उर्वरता का मतलब ये होता है किसी पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। अगर मृदा उर्वरता अच्छी होगी तो मृदा उत्पादकता बढ़ेगी, और मृदा उर्वरता अगर खराब होगी तो मृदा उत्पादकता भी कम होगी या खराब होगी। मृदा की भौतिक दशा, मतलब मृदा देखने से कैसी लगती है हमको, आंखों से देखने पर कैसी प्रतीत होती है, अच्छी होती है। वहां पर कंकड़ पत्थर बहुत सारे हैं तो वो उसकी मृदा उत्पादकता घटेगी, अगर वहां पे कंकड़ पत्थर नहीं है और मिट्टी बहुत अच्छी है तो मृदा उत्पादकता भी अच्छी होगी। मृदा की स्थिति, मृदा अगर ढलाऊ जमीन पर है, पहाड़ वाली जमीन पर है तो क्या होगा कि उसकी स्थिति खराब है, वहां पर पोषक तत्व जो ऊपर से है वो नीचे आ रहे हैं, इस स्थिति में मृदा उत्पादकता घटेगी। और अगर मृदा की स्थिति अगर समतल जमीन पर मृदा है तो मृदा उत्पादकता अच्छी होगी, क्योंकि वहां पर पोषक तत्व एक ही जगह पर रहते हैं, पानी भी एक जगह पर रहता है, ठीक है। इसके बाद में मृदा उत्पाद की मांग, मतलब कि किसी जगह पर अगर मक्का अच्छी तरह से होता है या किसी भी चीज कोई पर्टिकुलर अच्छी कोई भी वेरायटी अच्छी होती है वहां पे, लेकिन उस उत्पाद की मांग ही नहीं है, आगे डिमांड ही नहीं है, तो फिर वो किसान कहेगा कि भाई मैं तो ये नहीं उगाऊंगा तो उसकी मृदा उत्पादकता घटेगी, अब वो दूसरी चीजें उठाएगा तो घटेगी। अब देखो यातायात के साधन, मतलब कि मेरे यहाँ पर सब्जी अच्छी उगती है लेकिन मैं उसको बेच नहीं सकता हूँ, कहीं ले जाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है या फिर कोई गाड़ी आती नहीं है मेरे गांव में, सुविधाओं का अभाव है, यातायात के साधन उपलब्ध नहीं है, तो मृदा उत्पादकता मेरी भी घटेगी। इस प्रकार से ये मृदा उत्पादकता थी। तो अगली क्लास में हम मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता में कुछ डिफरेंस देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ना।